नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गंगा प्राइम में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है बलिया के दुर्जनपुर गांव से। यहां सस्ते गल्ले की दुकान आवंटन को लेकर प्रशासन ने एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में एसडीएम और सीओ भी मौजूद थे। इस दौरान विवाद हुआ और गोली चल गई। गोली चलने से एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। आरोप बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह पर लगा है। फायरिंग से मीटिंग में जोरदार भगदड़ मच गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में गोली चली, एक शख्स की जान चली गई और आरोप लगा है एक शख्स जिसका नाम धर्मेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जो कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का कोई परिचित या करीबी जिसको कहा जा रहा है। एबीपी गंगा ने सुरेंद्र सिंह से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उनका पक्ष हमने जानने की कोशिश की लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और उसका कहना है कि उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में जो है इस तरह से गोली चली है और उसके बाद वहां भगदड़ मची, एक शख्स की जान चली गई और ये सब कुछ सत्तारूढ़ पार्टी के संरक्षण में चल रहा है। गिरफ्त में आरोपी आखिर कब आएगा, बड़ा सवाल यही है। पुलिस उस वक्त छापेमारी कर रही है उसकी धरपकड़ के लिए लेकिन वो भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। तो एक दुकान के आवंटन को लेकर ये मीटिंग थी जिसमें सीओ समेत एसडीएम और कई पुलिस अधिकारी, एसओ और पुलिसकर्मी मौजूद थे। लेकिन देखिए वहां पर क्या हुआ, एक शख्स वहां पर आता है, गोली चलाता है और वहां भगदड़ मच जाती है। उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में ये पूरी घटना घटी है और गोली चलने के बाद एक शख्स जिसे गोली लगी वो घायल हुआ, अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो जाती है। सीएम ने फौरन इस पर संज्ञान लिया और सीओ एसडीएम समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। आखिर बलिया में क्या कुछ हुआ था ये अब हम आपको बताते हैं। तो दुकान आवंटन को लेकर प्रशासन ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग के दौरान हुआ विवाद। भाजपा नेता ने एक शख्स को गोली मारी और मौके पर मच गई भगदड़, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये वो शख्स है जिसने गोली चलाई है और भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का ये करीबी बताया जा रहा है। दुकान आवंटन को लेकर प्रशासन ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर थे। लेकिन आरोप है कि भाजपा नेता, ये जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, उसने गोली चलाई, एक शख्स को निशाना बनाया, शख्स घायल हुआ, अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सीएम ने अब इस पर संज्ञान लिया है और पुलिस अधिकारी समेत एसडीएम और कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। तो बलिया में हुई फायरिंग की घटना को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने पूरे मामले पर ट्वीट किया है और लिखा है, सत्ताधीश खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। बलिया में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एसडीएम और सीओ के सामने भाजपा नेता ने युवक जय प्रकाश पाल को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। पुलिस के सामने से गोली मारकर बीजेपी नेता फरार भी हो गया। समाजवादी पार्टी ने किस तरह निशाना साधा ट्वीट के माध्यम से, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उधर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने बलिया की घटना पर राज्यपाल से प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। लगता है उत्तर प्रदेश के जंगल राज में, उत्तर प्रदेश के अत्याचार वाले राज में अब यही दिन देखने बचा था। जिस तरह से एसडीएम डीएसपी के सामने भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे एक आदमी को सरेआम गोली मारते हैं, लगता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिकता के आधार पर बने रहने को अधिकार बचा है। बलिया की घटना ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कम से कम कुछ भी हो सकता है लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधी चला रहे हैं, गुंडे चला रहे हैं, बलात्कारी चला रहे हैं और वही आज सच सामने आ गया एसडीएम के सामने। सहारनपुर में आज दो पक्षों में जमकर